शुरुआत करते हैं तो मशीनों के बारे में। सेकेंड ईयर जो है NSQF लेवल 3 और 4 और 5 इस तरह से होता है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का जो लेवल है। फर्स्ट और सेकेंड लेवल तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर तक का होता है, उसके बाद तुम्हारा लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, मतलब मशीनों के बारे में तुम काम करना शुरू कर देते हो, मशीनों के बारे में तुमने पढ़ाई कर लिया और मशीनों के बारे में प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो पोर्शन है लेवल 3rd और 4th में NSQF लेवल 3 और 4th और 5वां ये सेकेंड ईयर का पार्ट होता है। तो सेकेंड ईयर में ज़्यादातर मशीनें ही होती हैं। मशीनों में जैसे DC जनरेटर है, ठीक है, DC जनरेटर के भाग, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये हो गया। DC मोटर है, ये मशीनों के बारे में, सेकेंड ईयर सारा मशीनों के बारे में है। DC मोटर हो गया, सीरीज, शंट, कंपाउंड, मोटर के कनेक्शन करना, स्टार्टर के साथ जोड़ना, चलाना, ये सारा जो टॉपिक्स इसके जो हैं। इसके बाद 3-phase इंडक्शन मोटर हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर। एग्ज़ाम की जो तैयारी करनी है तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमें यह हो सकता है डीसी जनरेटर के बारे में आ जाए, या डीसी मोटर के बारे में आ जाए, या इंडक्शन मोटर के बारे में आ सकता है, या ये मशीनों के बारे में प्रैक्टिकल्स ज़्यादा फोकस करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जनरली 3 या 4 प्रश्न होते हैं, टोटल उसके जो मार्क्स हैं 270 नंबर का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक 270 हो गए। 3 या 4 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 90 नंबर का होता है जनरली। जैसे जैसे प्रश्न की जो क्वालिटी है या प्रश्न का जो प्रश्न जो आपको दिया जाता है कि उसका वेटेज, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसका वेटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो भी सकता है। अनुमानित ये मान के चलते हैं कि 90 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 90 नंबर का एक प्रश्न आया और वो प्रश्न माना कि एक DC शंट जनरेटर के कनेक्शन करना, चलाना, उसके वोल्टेज मेजर करना है और उस पर भार डालना है। इस प्रकार से अगर प्रैक्टिकल आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ये 90 नंबर या 100 नंबर का हो सकता है। अगला प्रश्न, जैसे मानना कि DC मोटर के कनेक्शन करना, चलाना और घूमने की दिशा बदलना और उसकी स्पीड कंट्रोल करना, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो भी ये 90 नंबर का हो गया। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करना है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस निकालना है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 90 नंबर का। तो ये बंटवारा, ये अब उस दिन ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आपका आता है। तो मेन जो है वेटेज ध्यान में रखना है कि नंबर, अब सपोज करो माना कि 90 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 90 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो सब नंबरों का बंटवारा कैसे कैसे होता है, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जैसे आएंगे, बाहर के जो एग्जामिनर आते हैं उनका नज़रिया क्या रहता है। हमारे सामने जैसे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा कमज़ोर है, किसको काम आता है, किसको काम नहीं आता है, ये मूल्यांकन हमें करना है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये शुरुआत कैसे करता है, स्टार्टिंग कैसे करता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे मीटरों का चयन करना है तो मीटर में कनेक्शन कहाँ जोड़ने हैं, एम्पीयर मीटर कैसे सेट कर रहा है, वोल्टमीटर कौन सा लिया है, ओम मीटर का सेटिंग कैसे कर रखा है, उसको पता है या नहीं, वायर कहाँ जोड़ने हैं, ये आइडिया है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अनुमान लग जाता है कि इसको काम आता है, इसका काम नहीं आता है। अब जो लिखित के लिए राइटिंग वर्क है, सबसे पहला काम आपको घंटे भर का लगभग आपको एक घंटे का टाइम दे दिया। एक घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर डालना है आपको, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर पहला जैसा भी हो, माना कि फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आपको एक कह दिया जाता है कि स्पीड कंट्रोल करना है, नहीं ये आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पेपर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको एक घंटे का रिटर्न वर्क करने के लिए दे दिया, उसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद टूल्स और इक्विपमेंट लिखने हैं, औजार और उपकरण, यहाँ पर आपकी परीक्षा होती है, आपकी जो परीक्षा है, आपका नॉलेज जो टेस्ट किया जाता है चल नहीं पाएगी। इसके लिए आपको जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, स्पैनर सेट, ये स्पैनर सेट इसलिए लिखा है क्योंकि मोटर को आपको खोलना है और भागों का अध्ययन करना है। अगर आपको भागों का अध्ययन नहीं करना है तो ठीक है, नहीं तो टर्मिनल बॉक्स खोलने के लिए स्पैनर सेट तो चाहिए। एम्पीयर मीटर
और MI वोल्टमीटर 0 से 300 वोल्ट, एक वोल्टमीटर चाहिए 0 से 500 का, और टेस्ट लैंप चाहिए आपको 60 वाट के। तो इस प्रकार से, और ऐसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर 5 हॉर्स पावर की हो या 3 हॉर्स पावर की हो, कोई से भी हो, अपने पास जो अवेलेबल होगी वो थ्री फेज की होनी चाहिए। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर साथ में, ये इस प्रैक्टिकल में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी है, स्क्वायर केज भी है, दोनों का काम एक साथ करना है, इसके लिए ये प्रैक्टिकल कॉमन बना दिया है। अगर आपको स्क्वायर केज इंडक्शन है तो आपको यही लिखना है, स्लिप रिंग मोटर नहीं लिखनी है। और ये आपको चाहिए कुछ तार वगैरह कनेक्शन करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको टर्मिनल टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि मोटर की नेम प्लेट की डिटेल आप नोट कर लेंगे। नेम प्लेट की डिटेल नोट करने के लिए, जैसे कंपनी का नाम है, उसका प्रकार है, किस टाइप की है, और RPM कितने हैं, वोल्टेज कितने हैं, स्टार है, डेल्टा कनेक्शन वगैरह, वो देख लिया। उसके बाद अगर आपको पूरा खोलना है तो खोल करके भागों का अध्ययन करना है, तो ये भागों का अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से ये सब पार्ट्स इसके अलग अलग करके देख लिए, और कोई अगर मान लो बेयरिंग वगैरह ख़राब है तो उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस भी कर दिया। अब ये तो हो गया आपका जनरल मेंटेनेंस करना है, तो और मेन जो है टर्मिनल टेस्ट करना है, मेन टर्मिनल टेस्ट करना है। थ्री फेज इसको बोलते हैं अपन, फेज सीक्वेंस टेस्ट। फेज सीक्वेंस टेस्ट में ये 6 इसके लीड वायर होते हैं, U1, V1, W1, U2, V2 और W2। इसकी आपको पहचान सही ढंग से करनी है, और ये सही ढंग से आइडेंटिफाई होंगे और कनेक्शन सही ढंग से स्टार्टर में करेंगे तो ही मोटर चलेगी, वरना मोटर नहीं चलेगी। स्टार और डेल्टा जो डिपेंड करता है इसमें, U1, V1, W1, U2, V2 और W2, इसकी आपको पहचान करनी है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड है, एक तो लैंप मेथड भी है, एक स्पार्किंग मेथड भी है, और एक वोल्टमीटर लगा करके टेस्ट करने का मेथड भी है। तो इसमें कोई सा भी एक मेथड लेकर के आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप लैंप मेथड से आप करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से करना है कि दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग बिल्कुल सेपरेट कर दिए, ये एक फेज की वाइंडिंग है, दूसरे फेज की वाइंडिंग है, तीसरे फेज की वाइंडिंग है। तो एक तो दोनों को कॉमन कर दिया और एक बार सप्लाई से जोड़ दिया, दूसरा इन दोनों के बीच में दो लैंप का सीरीज करके जोड़ रखा है, और एक बार में अगर ये लैंप जो हैं वो तेज चलते हैं तो इसका मतलब दोनों के सिरे कॉमन है। एक U1 और U2 पहले से लिख देवें, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसको V1 कर देना है, तो अगला V2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी पहचान हो जाएगी। ऐसे न ऐसे ये एक बार में ये वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन हो जाए, नंबरिंग हो जाए, और उसके बाद ये वाइंडिंग हटा करके इस वाइंडिंग को इसके साथ जोड़ देना है। तो यही एक्सपेरिमेंट दोबारा करना। ये तो मेथड हो गया आपका लैंप मेथड। अगर मान लो आप वोल्टमीटर मेथड करते हैं तो वोल्टमीटर मेथड करने का सर्किट डायग्राम ये है। तीसरा आपका स्पार्क मेथड है। अगर आप दो वाइंडिंग को सीरीज करके सिंगल फेज सप्लाई दे दो, और जो बची हुई जो एक फेज की जो वाइंडिंग है उसके स्पार्क करके देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ स्पार्क होता है तो ये जो सिरे जुड़े हुए हैं असमान है, अगर स्पार्क नहीं होता है तो ये समान सिरे हैं। इस प्रकार से इसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो ये विधि भी अलग से है। तो इस प्रकार आप 6 तारों को U1, U2, V1, V2, W1, W2 ये टर्मिनल की आप पहचान कर सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन ये करना पड़ेगा इसके लिए। अब आपके पास में माना कि ये मोटर है, ठीक है, और 6 तार ऐसे होने चाहिए बिल्कुल अंदर, तो जो भी टर्मिनल प्लेट टूट गई है या कोई वायर जल गया है, हमारे पास में ये 6 तार बस मोटर को चलाना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाना है, 6 तार इसके चाहिए। और वो 6 तार U1, U2, V1, V2, W1, W2 कन्फर्म वाले ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्जी में ऐसे जोड़ दो, नहीं तो मोटर चलेगी नहीं। उनका आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, ये 6 वायरों का पता लगाना है कि वो U1 है, U2 है, V1 है, V2 है, W1, W2। तो अपने इन 6 तारों का आइडेंटिफिकेशन करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लाओ ये टेस्ट लैंप, सीरीज टेस्ट लैंप लगाओ, चालू करो, और इन 6 तारों में से दो दो के जोड़े बनाने हैं। चलो लगा के देखो, एक पे लगाया, अब इसके साथ किसका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़े बनाने हैं इसके, जिसकी कंटिन्यूटी आ रही हो, ये कंटिन्यूटी जिसकी आ रही है, पता पड़ गया, जिसकी कंटिन्यूटी आ रही है इन दोनों का जोड़ा एक अलग करो। पहले तो ये और ये थे, है ना, इनका जोड़ा बनाओ, रुक जाओ एक बार, बाद में और देख लेंगे। ऐसे करके ना जोड़ा बना दो इसका, ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए फिर चेक कर लेना, चेक कर लो, ये एक जोड़ा हो गया, बाकी दूसरा, हाँ ये और ये इनका जोड़ा है, तो तीसरा जो है वो अपने आप मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो तीनों जोड़े बनाए, मतलब थ्री फेज की वाइंडिंग हो गई हमारी, ये तीनों, ये एक वाइंडिंग है, ये आर फेज की, यू, ये वी और डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी, जैसे ये एक जोड़ा ले लिया, माना कि ये ले लिया है यू फेज का, इसको यू, आप इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसको यू मानो या वी मानो या डब्ल्यू वन मानो, डब्ल्यू मानो, कोई सा भी एक मान सकते हैं, क्या मानना है इसको, या इसको यू मान लिया मैंने, ठीक है। ये यू फेस के दोनों सिरे हैं और शुरू में जो है आप इस पर कोई से भी दो, यू वन और यू टू लाओ, यू वन और यू टू, आपको क्या करना है, पहला काम तो ये करना है इनके जोड़े बनाने, ठीक है, कर लोगे ये। उधर एक दूसरी मोटर है, इसके टर्मिनल टेस्ट करने हैं आपको। तो ये जो जो जोड़े आपने बना लिए दो दो के, उसके बाद ऐसे U1 और U2 दो सिरे निकाल के ना इसके साथ टैग लगा दो, ये हो गया आपका U1 और U2, ठीक है। शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हो, एक फेस की तो हमने शुरुआत कर ली, ये हो गए U1 U2 के सिरे, अब बाकी के पता नहीं है, बाकी के पता इसके रेफरेंस से होगा, इसको आधार मान करके आपको बाकी के सिरे चेक करने। अब कोई से भी दो फेस की जो वाइंडिंग है ये मैं कोई से भी दो फेस को आपस में सीरीज में करना है, ऐसे ये सीरीज में कर दिया। अब इनमें आपको सिंगल फेस सप्लाई देनी है, इनमें आपको सिंगल फेस सप्लाई देनी है, सिंगल फेज पैरेलल, और ये जो तीसरा फेज है ये खाली वाला, इसके दोनों सिरों को ऐसे स्पार्क करके देखना है। अगर यहाँ स्पार्किंग, अब यहाँ स्पार्क करके जब देखेंगे, अगर यहाँ स्पार्किंग होती है तो ये जो जॉइंट है ना उस पर सिरे असमान है, ये रिजल्ट निकलता है। और यहाँ ऐसे करने पर स्पार्किंग नहीं होती है तो दोनों समान सिरे हैं, पता लग जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, फिर से सुन लो थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लो। छः अंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दो दो के जोड़े बना लिए, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी एक जोड़ा ले लिया, उसके शुरुआत करने के लिए U1 और U2 लिख दिया, किसी के भी ऊपर लिख दो, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको U1, इसको U1 है, इसको U2 है, इसको U1, इसको U2, कैसे भी कर सकते हो, एक आप कर सकते हो, पहला काम एक पे कर सकते हो। दूसरा फेज लिया, उस पर कुछ भी लिखना नहीं है, उस पर कुछ लिखना नहीं है, उसकी वाइंडिंग को केवल पहले वाली वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने के लिए क्या कर दिया, एक में सप्लाई आई, यहाँ से निकली और दूसरी वाइंडिंग में गई और यहाँ से सप्लाई देनी है, तो सिंगल फेज सप्लाई इसमें देनी है, जॉइंट को ऐसे ही रखना है। ये दो फेज आपस में जुड़ गए, सिंगल फेज सप्लाई इसमें दे दो जोड़ना, और उसके बाद ये तीसरा फेज है, इसको तो हमने कहीं जोड़ा ही नहीं है, जिसको नहीं जोड़ा है उसके दोनों लीड वायरों को ऐसे पास में मिला के ऐसे टच करके देखना है, या तो स्पार्किंग होगी या स्पार्किंग नहीं होगी, दोनों में से एक कंडीशन आएगी। अगर ऐसे टकरा के देखेंगे स्पार्किंग होती है तो इस तीसरे फेज के निष्कर्ष के कारण ये जो जुड़ा हुआ रहेगा है ना, अगर माना कि ये अभी चेक करके देख लेंगे, अगर यहाँ स्पार्किंग हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो जंक्शन था ना उस जंक्शन पे ये कौन सा था, सिरा U2 है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो वायर है वो V1 होगा, पता पड़ गया। असमान सिरे होते हैं तो स्पार्किंग होती है, प्रैक्टिकल आपका ये है, ये जो जॉइंट है ना उस जॉइंट पर अगर असमान है तो तीसरे फेज में स्पार्किंग होगी, अगर ये समान है तो तीसरा फेज जो खुला हुआ है उस पर स्पार्किंग नहीं होती है। अगर यहाँ स्पार्किंग तीसरे वाले में नहीं होगी तो अपन इस पर क्या लिखेंगे, ये U2 है तो इस पर क्या लिखेंगे, V2। जब ये पता लग गया कि इस पर V2 है तो अगला जो इसका बचा हुआ ये V1 होगा, हो गया ना, पता लग गया। ये 2 और 1 का पता लगाना है, अगर ये गड़बड़ भी होता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए 1 और 2 स्टार्टिंग और एंडिंग ये आपको पता लगाना है। समान है, समान का मतलब ये जंक्शन पे कौन सा आ रहा था, U2, अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये वाला वो V2 है, अब V2 की पर्ची लाओ यहाँ,
वी टू वाली पर्ची इसके साथ जोड़ो, वी टू वाली पर्ची यहाँ जुड़ेगी है ना। अब वी टू वाली पर्ची यहाँ लगाओ, लगाओ इसको फिट करो। तो ये था ठीक है। जब इसका ये वी टू हो गया तो इसका दूसरा सिरा कौन सा है, इसका दूसरा कौन सा है, ये है। जब ये वी टू है तो वो वी वन होगा, वी वन की पर्ची उस पर लगा दो भाई। चार का तो पता लग गया ना आपको। अब ये जो सिस्टम है, ये जो बचा हुआ W वाला फेज है ना, उसके साथ लगाओ। अब W वन ये एक सिरा U1 और U2, इसको आप स्पार्क करके देखेंगे है ना। अब इसके सीरीज बनाओ, एक की सीरीज बना दो, हाँ किसी एक की सीरीज बनाओ और फिर यहाँ सप्लाई देना और इसको स्पार्क करके देखना है। अगर स्पार्क होता है तो फिर ये जो जॉइंट है, ये सीरीज बना दिया, उसको सिंगल पे सप्लाई दो, थोड़ा दूर रखो और इसको स्पार्क करना है। स्पार्क करके देखना कौन करेगा, इधर स्पार्किंग कौन करेगा, इसको देखो हैं, इसको स्पार्क करके देखो। ये तीसरा फेज है, इसको स्पार्क करके देखना है। हाथ नील, हाथ दूर रखना है, करो नहीं हो रहा है, चलो हटा लो। ये तो सभी के सभी सेम के सेम आ रहे हैं क्या है? ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है क्या, कौन सा है ये, इसको चेंज कर, ये वी वन की जगह एक डब्ल्यू वन लाओ देखें। हाँ आ, इसको चेंज करके देखो ना, इसके सिरे चेंज करके देख लो। ये हर बार ऐसे ही आता है, स्पार्क तो होना चाहिए ना। सिरे चेंज कर दो, उल्टा उल्टा लगाओ बस। इन दोनों को सप्लाई लगाओ बस बस बस, खाली टेस्ट ही तो करना है। इनको सप्लाई लगाओ, उल्टा करके देखें, स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क हो रहा है, ये स्पार्क होता है। इसका मतलब ये जो जंक्शन है इस पर असमान सिरे हैं, ऐसी कंडीशन आती है। तो अब इस पर क्या लिखेंगे अपन, ये कौन सा है, सप्लाई बंद कर दो। अपन तो केवल टर्मिनल टेस्ट करना है ये। तो ये जो V1 है तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा होगा, W2 होगा, बस पता पड़ गया। इसके साथ ये W2 की पर्ची लगा दो, लगाओ W2 वाली पर्ची यहाँ लगाओ, W2 वाली। तो फिर इसका दूसरा जो बचा हुआ वो W1 हो गया ना। छः सिरे के पता पड़ गए अभी। अब ये छः इस प्रकार से सही आइडेंटिफाई करके फिर जोड़ोगे तो मोटर चलेगी है ना। W2 हो गया, इसका बचा हुआ W1। ऐसे आप छओ का पता लगाना है। अगर ये इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आप फॉल्ट ढूंढते रहना तो ये फेज सीक्वेंस गड़बड़ होगी तो मोटर कहाँ से चलेगी। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है ठीक है। जब ये मोटर चलेगी तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो फिर आप उस पर भार डालना, वोल्टेज डेवलप करना, वो सारा प्रैक्टिकल आगे से आगे करते जाएंगे ठीक है। चलो।